केवल सिंह वाल्मीकि राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का सदस्य, पूर्व ब्रज क्षेत्र मंत्री भाजपा। मैं भारत के वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, उत्तर प्रदेश के निवासियों को भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आगरा के लोकप्रिय मतदाताओं को, यहाँ के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। श्रावण मास के आखिरी सोमवार को भोलेनाथ के दर्शन के लिए सेवालों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सहागंज स्थित पृथ्वीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने महादेव की पूजा अर्चना की। इस मंदिर के नाम से ही पता चलता है कि इस मंदिर का इतिहास पृथ्वीनाथ चौहान से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि पृथ्वीनाथ चौहान ने ही शिवलिंग की खोज कर पूजा अर्चना की। इसके साथ बाद में यहाँ शिव जी पूरे परिवार के साथ विराजमान हुए। सावन का चौथा सोमवार है, किस तरह से मंदिर में पूजा अर्चना चल रही है? आज श्रावण मास का चौथा सोमवार भगवान श्री पृथ्वीनाथ महादेव का मनाया जाता है आगरा में, जिसको कि कोरोना के नियमों का पालन करते हुए सरकारी महकमे के साथ भगवान श्री पृथ्वीनाथ महादेव के श्रृंगार दर्शन कराए जा रहे हैं, जलाभिषेक कराया जा रहा है और आज सायं भगवान श्री पृथ्वीनाथ महादेव को सभी लोग मिलकर मनाने का प्रयास कर रहे हैं। बड़े आनंद उल्लास के साथ भगवान श्री पृथ्वीनाथ महादेव का मेला और भगवान श्री पृथ्वीनाथ महादेव की सेवा कर ये कोरोना काल से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री शिव को, श्री पृथ्वीनाथ महादेव को मना रहे हैं। आप सभी आगरावासी सभी मिलकर सायं भगवान श्री पृथ्वीनाथ महादेव से ऐसी प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में से ये कष्ट नाम की चीज निकल जाए। इतिहास रहा है मंदिर का, कितने साल पुराना मंदिर है? पृथ्वीनाथ महादेव पृथ्वीराज चौहान के समय के हैं। पृथ्वीराज चौहान जब संयोगता का हरण करके कन्नौज से वापस आ रहे थे दिल्ली जाने के लिए, तो यहाँ पर पड़ाव डाला उन्होंने। जिस जगह बाबा विराजमान है उस जगह पर एक आग का वृक्ष था, उस वृक्ष के ऊपर पृथ्वीराज चौहान का घोड़ा बांध दिया। जब घोड़ा बांधा गया उसने गंदगी की, घोड़ा खुल गया, दोबारा बांधा फिर खुला, दोबारा बांधा फिर खुला। सिपाही को संशय हुआ, सिपाही बड़ा असमंजस में आ गया और उसने राजा से शिकायत की। बोले महाराज बार बार घोड़ा बांधता हूँ, बार बार खुल जाता है। बोले कहीं ऐसा तो नहीं उसमें कोई भूत बिहार का बाधा वगैरह हो, कोई देखो उसको। उसकी खुदाई की गई, जब खुदाई की गई तो उसकी जड़ में, आग के वृक्ष की जड़ में बाबा पृथ्वीनाथ महादेव विराजमान निकले और बाबा पृथ्वीनाथ समूची सृष्टि मत पूरी पृथ्वी पर एक ऐसे देवता हैं जो पृथ्वी से प्राकट्य स्वयंभू रूप में प्राकट्य है। मैया पार्वती, श्री गणेश भगवान, नंदीश्वर पर सवारी, केवल एक ही शिवलिंग है जो केवल आगरा और पृथ्वीनाथ महादेव पर पाए जाते हैं, जो कि एक दीपक जलाने का पूरे परिवार के दीपक जलाने का फल प्राप्त कराते हैं, ऐसी मानता है श्री पृथ्वीनाथ महादेव। जी, ऐसा पहली बार हुआ है कि मेला इस बार नहीं लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कोरोना काल भी चल रहा है, मेला नहीं लगा है, इसका सालों बाद देखा जा रहा है। नहीं, ये तो आपदा है, सब मेला तो मनों से हुआ करते हैं और सबने मनों से हर्षोल्लास के साथ पूर्ण रूप से सावा का मेला मनाया है। कोरोना के नियमों का पालन करते हुए सभी लोग बड़े आनंद में होकर इस मास को बड़ा आनंद में मना रहे हैं और बाकी समय की जो स्थिति है, जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए क्या विशेषता रहती है आज के दिनों? आज के दिन भगवान शंकर का जो व्रत रखते हैं वह मनोवांछित फल इच्छा प्राप्त करते हैं। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।